औरंगाबाद के आप प्रभारी मंत्री हैं, औरंगाबाद शहर में मूल रूप से जल संकट की सामना कर रहे हैं लोग, इस पर क्या प्लान है सर? देखिए, आज हम लोग बैठे हैं अपने साथियों के साथ, सबने जल संकट की तरफ इशारा किया है। जल संकट की समस्या तो था ही, पहली बारिश में ही औरंगाबाद में जल जमाव की भी स्थिति बनने लगी है। जी, अगर हम आ रहे थे तो हम लोग बैठे हैं कि खास करके सस्ती का उस टाइम में मुड़ रहे थे, गाँव देखे कि जल जमाव की समस्या है। हम लोग अभी बात किए हैं और देखते हैं तिप को हम लोग कैसे थोड़ा कर। आप सबका स्वागत है और मेरे साथ NDA घटक के सभी सम्मानित नेता, जिला अध्यक्ष हमारे साथ उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा और हमारे हम तक सब लोग यहाँ पर हैं। आज हम लोग बैठे हैं अपने साथियों से विचार ले रहे हैं औरंगाबाद का विकास कैसे हो, औरंगाबाद की जन समस्या क्या है, और कैसे हम सब मिल करके प्रशासन के साथ मिलकर के, सामाजिक संगठन के साथ मिलकर, राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर, सब के सहयोग से हम लोग औरंगाबाद का कैसे विकास करेंगे, इस मंथन पर हम लोग बैठे हैं। और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं औरंगाबाद में प्रभारी मंत्री के रूप में आज मेरा पहले यहाँ पर आना हुआ है, पहली विजिट है। वो मैं आपके माध्यम से यहाँ के तमाम जनता को, खास करके सभी राजनीतिक कार्यकर्ता को और सभी NDA घटक दल के नेता को धन्यवाद देता हूँ कि जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है आज सब साथियों से, निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि आने वाले समय में हम जो चुनौतियों का सामना बहुत आसानी से करेंगे, वो आज का दिन यही है। आप सबको भी स्वागत करता हूँ कि आप सभी सखत हो आए। औरंगाबाद के आप प्रभारी मंत्री हैं, औरंगाबाद शहर में मूल रूप से जल संकट की सामना कर रहे हैं लोग, इस पर क्या प्लान है सर? देखिए, आज हम लोग बैठे हैं अपने साथियों के साथ, सबने जल संकट की तरफ इशारा किया है और निश्चित तौर पर एक प्रमुख समस्या है औरंगाबाद के लिए। वो हम लोग कल मीटिंग करेंगे, वो मीटिंग होगी इस क्रियान्वयन समिति की मीटिंग में ये बातें को प्रमुखता से रखा जाएगा और इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस पर विचार करेंगे। और मीटिंग करने के बाद हम लोग को वो फिर साथियों के साथ होते हैं, फिर इनके साथ फिर पुनः एक बैठक होगी और इसके बाद जो भी समस्याएँ हैं वो राज्य सरकार के द्वारा अगर उसको होना है या फिर जिला प्रशासन के द्वारा होना है, जहाँ पर जैसे भी हो हम लोग कोशिश करेंगे उन समस्याओं की, जन समस्याओं को। जल संकट की समस्या तो था ही, पहली बारिश में ही औरंगाबाद में जल जमाव की भी स्थिति बनने लगी है। जी, अगर हम आ रहे थे तो हम लोग बैठे हैं कि खास करके सस्ती का उस टाइम में मुड़ रहे थे, वहाँ देखे कि जल जमाव की समस्या है। हम लोग अभी बात किए हैं और देखते हैं तिप को हम लोग कैसे पूरा कराए थे। आज मौका है, पहला दिन है, हमको जो मौका मिली और आने वाला समय में हम लोग निश्चित तौर पर सही सटीक जवाब दे। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में राजद कैंडिडेट को पप्पू यादव सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका एक व्यक्तिगत मामला है। इंडिपेंडेंट जीते हैं, कांग्रेस में हैं लेकिन इंडिपेंडेंट जीते हैं, तो किसको समर्थन कर रहे हैं इस पर तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि NDA के जो उम्मीदवार हैं जनता दल यूनाइटेड से उसी बीच में जा रही है और अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं।